हाय गाइस, तो मैं अभी यहाँ से आ गया हूँ, दर्शन करके आ गया था फाइनली। और अभी मैं गेट के अंदर खड़ा हूँ, हरी जी ले रहे हैं एंट्री और फिर हम चलते हैं सीधा फोर्ट के अंदर। तो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्वागत है इस सिवाना फोर्ट के अंदर और हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर। तो आप सभी को सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, खम्मागणी। और मैं आपका दोस्त दिनेश प्रजापति फ्रॉम वीरभूमि मरुभूमि राजस्थान से। और मरुभूमि और ये वीरभूमि कहलाने का अर्थ यही है सिर्फ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हिस्टोरिकल पैलेस, ये काफ़ी हज़ार साल पुराना फोर्ट है और मैं आपको लेके चलता हूँ। उसका पूरा इतिहास, आपको हिस्ट्री डिटेल है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं यहाँ से 10 साल पहले आया था और अभी 10 साल के बाद में मैं मतलब वापस आ रहा हूँ। मुझे 10 साल समथिंग हो गया है। आपको सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल पैलेस से काफ़ी यहाँ पे दो दो साके हुए हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और अकबर तक यहाँ पे मतलब युद्ध करके गया है। तो यहाँ इस किले ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सो गाइज, मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। सो गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन पोल। देखिए गाइज, आप ये जो पोल बनी हुई है, पोल का मतलब यहाँ फर्स्ट गेट हुआ करता है। ये मारवाड़ी राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर और रजवाड़ी लैंग्वेज के अंदर ये पोल होती हैं, जब फर्स्ट पोल उनका नाम भी होता है। तो ये वीर नारायण परमार नामक ये किला है और ये पोल भी उनके नाम को दर्शाती हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं, चलो चलते हैं अंदर की ओर। ये आप देख सकते हैं गाइज, हज़ार साल पुराना ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा गेट बना हुआ है, कितना मजबूत है लोहे का, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग फोर्ट का दीदार करके आए हैं ज़रूर। और आप देख सकते हैं ये अंदर, हम फर्स्ट गेट से आ गए, अंदर एंट्री ले ली है और ये बड़ा सा गेट लोहे का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हज़ार साल से जीवित ये फोर्ट है गाइज। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, खूबसूरत है। ये देख सकते हैं पुराने दीवारें कैसी बनी हुई है गाइज, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है। सो गाइज, ये सामने आप देख सकते हैं, बेसब्री का इंतज़ार था हमें भी। ये देखिए गाइज, बड़ा अमेजिंग व्यूज़, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से फर्स्ट पोल से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सड़े करेंगे, यहाँ से सीधा सड़े करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं गाइज, वहाँ से वहाँ लगभग 400-500 मीटर की सड़े हैं पूरी। और काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ है गाइज, आप देख सकते हैं ऊपर टॉप तक कितना खूबसूरत किला है और अमेन जी। चलो चलते हैं गाइस। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, ये अभी नई बनी है, पुनर्निर्माण हुआ है शायद इसका। पहले जब आज से मैं 10 साल पहले आया था तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सीधा पैदल ट्रैक करते थे, उसे ऐसे ढलान वगैरह हुआ करती थी। पुराने जो बने हुए थे सीढ़ियाँ उनको हटा दिया है और नए बनाए। जो दीवारें हैं जो साइड में है, ये पुरानी पूरी है, पुरानी पुरानी पूरी आप देख सकते हैं, हज़ार साल की। किस इस तरह से कैसे दिख रहा है आपको, देख दिखाई दे रहा होगा गाइस, बड़ा ही व्यूज़ अमेजिंग, सांस फूल रही है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से सिटी का नज़ारा भी कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। वो फर्स्ट पोल है, वहाँ से एंट्री होके जो साइड में परकोटे बने वहाँ पे भी सेना है जो तैनात हुआ करती थी। शायद सांस फूलने की वजह से मुझे कुछ बोलने में अटक महसूस हो रही है। वो भी सीढ़ी सड़ी हुई है, वहाँ परकोटे बने में सेना तैनात हुआ करती थी, उसके ऊपर भी हुआ करती थी। तो इस तरह से कुछ दीवारों को कवर करते हुए पूरा फोर्ट सुरक्षित स्थिति में है। स्थिति बहुत ही बढ़िया है, चढ़ाई करते हैं। तो गाइज, ये ठीक सामने यहाँ पे भगवान का मंदिर है। जब अभी सेकंड पोल आ गई है गाइज, यहाँ पे बड़ा सा दरवाज़ा लगे हुए हैं, काफ़ी
भारी हैवी है, अमेजिंग है वो, काफ़ी पुराना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चिड़ियों की सड़ाई है। और ये देखो परकोटे बड़े बड़े, यहाँ पर भी खूब सेना तैनात हुआ करती थी। तो गाइज़ मैं ये आपको बताना भूल ही गया था, जो ये सिवानागढ़ पड़ता है मेरे समदड़ी शहर से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और ये तहसील पड़ती है। समदड़ी भी तहसील है और सिवाना भी तहसील है। अभी तो फ़िलहाल SDM ऑफिस वगैरह सब यहाँ पे है, और अभी तो नगर पालिका भी बन गई है, तो काफ़ी विकास हो रहा है धीरे धीरे जितने पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देख सकते हैं ये सेकंड पोल आ गई है, और विशाल परकोटे जो जो देखते ही देखते पूरा नीचे गिर जाएंगे पीछे, ऐसा लग रहा है क्योंकि इतने बड़े परकोटे। अपने हरीश भाई भी व्लॉगिंग करते हुए वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, काफ़ी हमने चिड़ियाँ सड़ी हैं, वो देख सकते हैं नीचे वहाँ खड़े थे हम। ये लगभग 500 मीटर का ट्रैक पड़ता है। कैसे हो भाई, क्या क्या देखा आपने? पत्थर, अच्छा कलाजी राठौड़ की वहाँ पे देखी आपने? नहीं देखा, उनकी वहाँ पे बनी हुई है मूर्ति, नहीं बना तालाब, पानी है, अच्छा बढ़िया है। उनकी वहाँ पे छतरी बनी हुई है, शायद उनकी वहाँ समाधि स्थल भी है कलाजी राठौड़ की। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे बहुत अमेजिंग, बहुत ही गजब पोल है। ये पत्थर देख सकते हैं गाइस जी, उस समय कैसे ये बनाते थे, बहुत अमेजिंग है। ये देखिए गेट देखिए आप गाइस, लकड़ी का बना हुआ है। ओ हो गजब 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 गजब। सो गाइस गेट देखिए आप कितना मोटा है, पूरा बना हुआ है लकड़ी का है पूरा, और उसके ऊपर पूरे लोहे हैं, लोहे से पूरा ये मतलब उसके ऊपर लोहे से पूरा ये बनाया गया है, उसको पूरा फिटिंग किया गया है लकड़ी को पूरा लोहे के अंदर। और ये बड़े बड़े किले वगैरह भी हैं, ये पहले नुकीली हुआ करती, फिर इनको काट दिया गया है। इस तरह से मोटा ही देखें आप गाइस, इसकी पीछे आप देख सकते हैं ऐसे आगड़ लगी हुई होती थी, और इतना बड़ा है आप देख सकते हैं गेट पीछे मोटा, कितना लगभग 2-3 इंच ही मोटा है दरवाजा आप। और ये देख सकते हैं पहले गाइस आप देख सकते हैं ये पीछे ताला लगाने के लिए इतनी बड़ी चैन हुआ करती थी ये। ओ भाई साहब गजब, आप देख सकते हैं गजब, ये देख सकते हैं गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस ये दरवाज़ा कितना मजबूत है, 1000 साल पुराना है, आप देख सकते हैं गाइस। गजब गजब। सो गाइस ये आ गया मेन जो गेट है, उस समय ये संकरा क्यों हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अटैक होता था तो सेना एकदम से अंदर नहीं घुस पाया, इसलिए ये संकरा हुआ करता था पूरा मेन गेट। और उसके आगे भी कुछ ऐसे मतलब नुकीले जो भी होते थे, ढाल वगैरह, बड़े बड़े लोहे की दीवार खड़ी की जाती थी ताकि इस गेट को कवर किया जा सके। तो ये है मेन गेट किले का, चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस हम इस संकरे दरवाजे से एंट्री ले ली है, तो कुछ इस तरह से ऊपर से भी परकोटे देख सकते हैं, और ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और आप में देख सकते हैं सामने यही हमारे शहीद वीरों की ये जो समाधि स्थल है, अदम्य साहस शौर्य के प्रतीक है, ये देख सकते समाधि स्थल है खमा गणेशा, खमा गणी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सो गाइस अभी काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया, और अभी थोड़ा ट्रैक चिड़िया चढ़नी बाकी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये सूखे पेड़ हैं, काफ़ी सूखा है, आप देख सकते हैं कितना वीरान लग रहा है, बहुत वीरान लग रहा है गाइस आप देख सकते हैं।
तो गाइस बाकी वाला ट्रैक पूरा करते हैं, उससे पहले इस वीडियो को यहीं एंड करते, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है सिवाना फोर्ट, जो मेरे समदड़ी नगर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये सिवाना का फोर्ट लगभग 1000 साल पुराना है गाइस, और काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल पैलेस है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उनके वीर शहीदों की समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं गाइस। और फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को मिस नहीं करें, नेक्स्ट वीडियो और भी काफ़ी रोचक होने वाला है। तो अभी खमागणी, नमस्ते, नमस्कार।